नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम करो यार, ऊपर से मुसीबत छुड़ा के यहाँ आया हूँ यार, तुम प्लीज यार। मैं देख रही थी कि मास्टर जी ठीक सिखा रहे हैं कि नहीं। भगवान, अरे चुप, अरे वो मास्टर, ये बुलडोजर की तरह धड़धड़ा क्या रहे हो तुम? और तुम यह हथौड़ा क्यों ठोक रही हो जमीन पर? तुम्हें मेरा हथौड़ा हथौड़ा लग रहा है? अगर हथौड़ा नहीं होता तो छत से प्लास्टर गिर के मेरा सर नहीं फूटता, ये देख। क्या यार डीपी? क्या है मास्टर, तुम दोनों म्यूजियम में क्यों नहीं भर्ती होते? क्यों? उन्हें बहुत बिल्डिंगें तोड़नी है। अरे जा जा, तेरे को संगीत के बारे में क्या मालूम? गधे के सामने रात भर गीता वाचा, गधा बोला कचरा कुंडी साचा। ठीक है गधे के बच्चे, एक लूंगा फिर करते रहना। ही डीपी हेलो फायर ब्रिगेड जी, मेरे सामने वाले मकान में एक आदमी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है आग लगी आग लगी आग लगी। जी हाँ, पता लिख ही लीजिए, आग लगी आग लगी आग लगी। लेकिन आप लोगों को किसने कहा कि यहाँ पे आग लगी है? इनको फोन मैंने किया था, एक घंटे से ये मास्टर दहाड़ दहाड़ कर बोल रहा है आग लगी आग लगी, तो मैंने सोचा आग बुझाने के लिए फोन करके बुलाई लूं। क्यों? खुद अपने से तो कमर तक नहीं हिलाई जाती और चले दूसरों का मजाक उड़ाने। अब आ ही गए हैं तो रिहर्सल ही देख लेते हैं। वैसे मान गए टोपी मास्टर को। चुप करो यार, मैं उसे कॉलेज की पिकनिक पर इसलिए लाई हूँ कि हम सब मिलकर उसकी ऐसी खिंचाई करेंगे कि वो जिंदगी भर टोपी लगाना भूल जाएगा। और तुम सब लोगों की हंसी जा रही हो। ओके यार, वैसे कहाँ है टोपी मास्टर? आओ मेरे साथ। जरा अपना हाथ तो दिखाना। तो तुम हाथ देखना भी जानते हो? अरे वो महान ज्योतिषी था पंडित वीरेंद्र शर्मा, उनके घर में जब मैं खाना बनाता था वो मेरे खाने से इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे यह सिखाया। तुम खाना बनाना भी जानते हो? लो, बंबई में ताज होटल है ना, वहाँ का जो कुक है वो तो मेरी शायरी से इतना खुश है कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। लगता है कुछ लंबी लंबी छोड़ रहा है। तुम शायरी भी जानते हो? माधुरी दीक्षित मिली रस्ते में, ये गाना अनु मलिक को किसने लिख के दिया? मैंने। चलो कल्पना, चलो रश्मि, नाश्ता तैयार है। मैडम एक मिनट। और तो और, बियरवड़ा के जो महाराज है ना, वो तो मेरी शायरी से इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे गॉगल दिया जिसके पहनते ही सबके सब आदमी नंगे नजर आते हैं। अरे 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 अरे, ये वो चश्मा नहीं है भाई, ये नहीं है वो। अब चलो भी। एक मिनट मैडम, क्या बात है मैडम, हीरों का हार? लॉटरी लगी क्या? नहीं रे, नकली है, सिर्फ 5,000 रुपए का, मगर लगता असली है ना। कब से पड़ा था मम्मी के ड्रॉवर में, मैंने आज जबरदस्ती पहनाया ना। हाँ, चलो चलो अब चलो भी। 5 मिनट मैडम, आपको एक फेकू मासी से मिलाती हूँ, चलिए ना। चलो चलो। अरे हीरे जवाहरात तो मेरे हाथों से ऐसे गुजरे हैं जैसे के चने हो।
किसी भी हीरे को देखकर बता सकते हो कि उसकी कीमत क्या है? लो, 2 साल दुनीचंद ज्वेलर में राजपाली में मैंने काम किया है। अगर नहीं बता सके तो जो कहो हार जाऊं। लगी सर? लगी। बताओ मैडम का ये हार कितने का होगा? रहने भी दो रश्मि, चलो हम नाश्ता कर लेते हैं। नहीं मैडम, बताओ कितने का होगा? कम से कम 2 लाख का। अरे ये तो 5,000 का है, मम्मी के पास कहाँ से आएगा 2 लाख का हार? तुम्हारा कहने से हार गया? चलो जोरी के पास, वही चल के फैसला होगा। मुझे लगता है राजा तुम इसे एक बार नजदीक से देख लो। ठीक है, आप कहती हैं तो देख लेता हूँ। लाइए। ये हार नकली है, आप लोग जीत गए। बताओ भाई क्या करना है? वहाँ उस पहाड़ी पर हनुमान झुलाए, वहाँ से पार्वती नदी में कूद जाओ। नहीं रश्मि, ये तो मर जाएगा ना, और पार्वती का बहाव भी कितना तेज है और झूला भी कितना ऊंचा है। अरे पानी में क्या, इसे बर्फ में भी डालो तो भी इसे कुछ नहीं होगा। ठीक है कूद जाते हैं। रश्मि उसे रोक लो रश्मि, वरना मेरे हाथों बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। गुनाह? हाँ, ये हर वाकई 2 लाख का है। क्या? लेकिन आपके पास ये? मैं जानती हूँ एक टीचर की औकात नहीं है इतना कीमती हार पहनने की, मगर बात ये है रश्मि कि कल्पना के डैडी को गुजरे 5 साल हो गए हैं और इतनी जवान होती जा रही लड़की को लेकर जीना एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है। इसीलिए जब उनके करीबी दोस्त मिस्टर चौहान ने मुझसे शादी की इच्छा जाहिर की तब मैंने उन्हें हाँ कर दी। ये हार मुझे उन्होंने ही दिया। अब मैं नहीं जानती मैं कल्पना को यह सब कैसे बताऊं, कहीं वो उसे गलत समझ बैठी तो। इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। आज अगर उसे हार की कीमत पता चल जाती तो मुझे बच्चलन और आवारा समझ बैठती और हम दोनों की जिंदगियां तबाह हो जाती। मगर राजा ने मेरी आंखों में मेरी मजबूरी पढ़ ली और इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। उसे बचा लो रश्मि, उसे बचा लो, उसे बचा लो। लगता है दूसरों के इल्जाम अपने सर लेके सजा भुगतना इसके खून में है।
तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी जान खतरे में डालकर मैं किनारे पे कैसे खड़ी रहती? लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल गया राजा। आई लव यू। शर्म नहीं आई तुझे? बेआम डॉक्टरों के साथ घूम रही है। बाहर वाले हमें बताते हैं। इसी दिन के लिए पैदा किया था तुझे, तो पैदा होते ही मार क्यों नहीं गए? मेरे सारे सपने मिट्टी में मिला दिए तूने। हम तेरी शादी किसी अच्छे खानदान में करना चाहते हैं और तू आएगी? किसी भी करोड़पति खानदान की बहू होने से अच्छा मैं अपने राजा के साथ किसी झोपड़ी में रहूं, जिसके साथ मेरी जिंदगी की हर खुशी जुड़ी हुई है। एक ड्राइवर के बेटे से तू प्यार करती है? शर्म आनी चाहिए तुझे। घर के नौकर को तू घर का मालिक बनाना चाहती है क्या? आज वो आपको एक नौकर लग रहा है? भूल गई वो दिन जब डैडी की जान और इज्जत की रक्षा के लिए राजा के पिता के सामने तुम गिड़गिड़ा रही थी? डैडी के गुनाह की सजा वो ड्राइवर भुगत रहा है? स्टॉप इट। मैं नहीं चाहता तुम्हारी ये बकवास कोई और सुने। कौन है मेरे पिताजी? कहां है वो? आखिर ढूंढ ही लिया ना अपने बाप को। कोस कोस बेटा, जितना जी चाहे कोस, मैं हूं ही खुद कर्ज और कमीना इंसान। दूसरे के गुनाह अपने सर पर लेकर आप जेल की सजा सिर्फ इसलिए काट रहे हैं ताकि आपका बेटा एक खुशहाल जिंदगी गुजार सके, और आप खुद कर्ज। तो क्या हुआ? तेरे मां की मौत के बाद भी तो मैं तुझे अपना नहीं सका बेटे। अपनाते भी कैसे? मां की मौत की खबर मिलने पर आप जब भी गांव आए होंगे तो मुझे बहुत ढूंढा होगा ना। मगर मैं भी क्या करता, मामा के जुल्म से तंग आकर मैं तो गांव छोड़कर भाग गया, लेकिन जब से घर से भागा हूं बस भागता ही रहा हूं। जब छोटा सा था तो कभी रोटी के लिए तो कभी सहारे के लिए, और जब से बड़ा हुआ हूं तो कभी पुलिस से बचने के लिए तो कभी गुंडों से। बाप के प्यार का साया बच्चों को किन तकलीफों से बचाता है ये मैं एक लावारिस बनकर ही जान पाया। मगर क्या करता, आपकी और मां की मजबूरी मेरी किस्मत बन गई थी पिताजी। पिताजी बेटा, ओ, तो तुम अपने पिताजी के बारे में जान चुके हो? जी हाँ, और उनकी रिहाई के लिए सिर्फ आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? वो कैसे? अगर मैं सरकार के लिए आपके कहने पर अपनी जान खतरे में डाल सकता हूं तो क्या आप सरकार से मेरे पिताजी की रिहाई की सिफारिश नहीं कर सकते? ठीक है, मैं तुम्हारे बाबूजी को जेल से जल्द अज जल्द रिहा करवाने की कोशिश करूंगा। एसपी बख्शी प्लीज कम इन। एसपी बख्शी प्लीज कम इन। एसपी बख्शी प्लीज कम इन। बख्शी हियर। सर मैं रामप्रसाद मिश्रा बोल रहा हूँ। सर अभी अभी जंजार सिंह यूनिवर्सल बैंक में डकैती के लिए घुसा, लेकिन बैंक मैनेजर ने हमें सही वक्त पर इत्तला दे दी और हमने फौरन एक्शन लेकर जंजार सिंह और उसके तीन साथियों को घायल कर दिया। लेकिन सर जंजार सिंह भागकर एक स्कूल बस में घुस गया है, इसमें करीब 35 से 40 स्कूल के बच्चे हैं। उसने बस को अपने कब्जे में कर लिया है सर, हम क्या कर सकते हैं? अमरजीत बख्शी, मुझे राजा और 50 लाख रुपए चाहिए।
जो उसने मुझसे लूटी है। बस मैं पूना की तरफ लेकर जा रहा हूँ और ये कहीं रास्ते में रुकेगी नहीं ताकि तुम्हें कोई दगाबाजी करने का मौका नहीं मिले, समझे? इसलिए उसे किसी ऐसी खुली गाड़ी में लाना जहाँ से वो और पैसा मुझे साफ साफ नजर आए और राजा आसानी से बस में घुस भी सके। सर अब हम राजा को कहाँ ढूंढे? राजा यही मेरे पास है, तुम जंजार सिंह का पीछा करो, मैं राजा को लेकर वहां आता हूँ। ओवर। झुंझार सिंह बच्चों को छोड़ दे, तेरी दुश्मनी मुझसे है। तो सुन राजा, कोई होशियारी नहीं वरना ये बच्चे मारे जाएंगे, सिर्फ तू अब बैठा। आगे लाओ जल्दी। ये है मेरा पैसा। Oh!
अब हम सब जान डूब जाएंगे। देख। राजा, जेल की सलाखें मेरे लिए बहुत कमजोर है। मैं फिर मिलने आऊंगा तुझसे। ले जाओ इसे। तमाम तहकीकात, एसपी अमरजीत बख्शी की रिपोर्ट और राजा की गवाही से यह साबित होता है कि भारत जनता बैंक में हुई डकैती और वहां किए गए 3 कत्ल का जिम्मेदार झंझार सिंह और उसका गिरोह है। इन गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत झंझार सिंह को आतंकवादी ठहराकर 22 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है और झंझार सिंह के किए हुए बाकी 13 अपराधों का फैसला अगली सुनवाई में होगा। जान खतरे में नहीं डालता तो मेरी जान खतरे में आ जाती। क्या मतलब? मुझे पता चला है कि कल शाम को तुम्हारे पिताजी तुम्हें लंदन भेज रहे हैं। शायद वहीं तुम्हारी शादी करने का इरादा है। इससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हें अपनाना चाहता हूं, तुम्हें खुशियां देने के लिए, मौत नहीं। चलो यहां से। कहां? जहां तक जिंदगी।